जनपद बलिया, योगी सरकार में जालसाजों का बोलबाला। शासन व प्रशासन मस्त। चाकी प्रभारी द्वारा 80,000 घूस मांगने का आरोप। आत्महत्या का चेतावनी। जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश, सुखपुरा थाना क्षेत्र से बेरुआरबारी निवासी एवं प्राइवेट स्कूल चलाने वाले धनंजय दुबे ने कहा कि स्कूल के मान्यता दिलाने के लिए 13.85 लाख रुपए, स्कूल के मान्यता दिलाने के लिए मऊ जिले के कापागंज थाना क्षेत्र के दास्तपुरा निवासी अनिता चारसिया ने जालसाजों से फंसाकर ले लिया। जब मालूम हुआ तब पैसा मांगने पर धमकी देना शुरू करा दिया। सुखपुरा थाना बलिया मुकदमा दर्ज हुआ, परंतु एक साल आ गया परंतु अभी तक का कार्यवाही नहीं हुआ। धनंजय दुबे ने हनुमानगंज चाकी प्रभारी रविंद्रनाथ पांडेय द्वारा 80,000 या मोटरसाइकिल मांगे न देने पर फर्जी तरीके से फंसाने का कहा। एडविन इंटर कॉलेज बेरुआरबारी के नाम 13.85 लाख के नाम धाखाधड़ी। मुख्यमंत्री के पाटल फर्जी निस्तारण। बलिया हनुमानगंज पुलिस चाकी प्रभारी रविंद्रनाथ पांडेय द्वारा 80 लाख घूस मांगने का आरोप। बलिया से संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। अभी आपके स्कूल को लेकर ही मान्यता को लेकर श्रम विभाग के अंतर्गत आपके स्कूल को लेने की बात की जा रही थी। हम जानना चाहते हैं कि मामला क्या था। सुनने में आ रहा है कि आपके स्कूल द्वारा 13 लाख के आसपास का भुगतान भी किया गया है और वो मालूम चला कि वो फर्जी है, कोई मान्यता नहीं मिली। इस पर आपको क्या कहना है? अरे सर, इस पर कहना क्या है, हम खुद प्रिंसिपल स्कूल के हैं हम, और सारी बातें मैं यहाँ तक कि यहाँ हम लोग इतने क्रिटिक स्थिति में है कि टीचर का पेमेंट रोक करके प्रबंधक सर को हम पैसा दिए। यानी इस मैटर से आप लोगों के स्कूल का दयनीय स्थिति बहुत दयनीय, इतना दयनीय स्थिति हो गई कि आज टीचर के वो पेमेंट देने के पास हमारे पास पैसा नहीं। इसके लिए जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? अब हम जिम्मेदार उसको मानेंगे सर जो हमसे छल करके लिया है। ये कौन छल किया है? वही अनीता श्रीवास्तव है। क्या आप भी गए थे साथ में? हम गए थे सर। उसकी रवैया कैसी थी? बोली थी लखनऊ में कोई सचिवालय से बात कराई हमारे प्रबंधक सर को। वो कौन है? अनीता चौरसिया। अनीता चौरसिया अब इनकी शिष्या है सर, प्रबंधक सर के जाते थे आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए। वो क्या कहती थी? अब तो उनसे एक बार यहाँ पर आई, वो बातचीत हुआ, बस हम बस साल मैंने 2016 में आपको हम हेड दिला देंगे। यानी वो जालसाज का आप लोगों को शिकार बनाई? एकदम शिकार बनाई, तो इतना शिकार बनाई है कि हम लोग आज सड़क पर हैं सर। यानी आप लोगों को दिक्कत है, परेशानियां बढ़ गई? दिक्कत है कि हमारा कोई विद्यालय का विकास नहीं हो रहा है और हम लोग टीचर पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या प्लानिंग है? कोई भी लड़ाई लड़ने के तैयार है। यानी आपको उसको उचित न्याय आपको मिले और उसको नहीं मिलेगा तो मैं आत्मदाह भी टीचरों से करा सकता और कर सकता। मेरा नाम धनंजय दुबे है, ग्राम बेरुआरबारी, पोस्ट बेरुआरबारी, जनपद बलिया। और सर एडविन कॉन्वेंट स्कूल बेरुआरबारी का मैं प्रबंधक हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके साथ क्या मामला है? पिछले दिनों सुनने में आया कि आपके साथ कोई मामला हुआ था, वहाँ मामला हम जानना चाहते हैं क्या है। सर, ये मामला 2015 से चल रहा है। मेरे विद्यालय को, सर एडविन कॉन्वेंट स्कूल को सरकारी कराने के लिए, एड पेमेंट दिलाने के लिए, बाल श्रमिक स्कूल में चेंज कराने के लिए मऊ की कोपागंज की रहने वाली अनीता चौरसिया, पुत्री सूर्यनाथ चौरसिया, कोपागंज की रहने वाली, मेरे साथ गुरु घराने का विश्वास दिला करके छल की और मुझसे कई किस्तों में जरिए बैंक और जरिए नगद मुझसे 13,85,000 रुपये कुल ली। और पैसा मांगने पर, काम तो हुआ ही नहीं, मांगने पर नाना प्रकार की धमकियां दे करके घर से फरार हो। ये बताएं आप कैसे आप उनकी झांसे में आए, उनका परिचय आपके साथ कैसे हुआ? उनका परिचय सर हमारा गुरु घराने से हुआ। कौन गुरु घराना? हमारे गुरुजी श्री नंदलाल तिवारी, ग्राम मीरपुर रहीमाबाद कोयरिया पार जनपद मऊ के थे। वहाँ मैं आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए जाया करता था और वहीं उनकी शिष्या अनीता चौरसिया से मेरी मुलाकात हुई। यानी अनीता चौरसिया लेडी ही वहाँ की शिष्या रही? हाँ सर, मुझसे पहले से वहाँ की वो शिष्या रही। अच्छा, जिस तरह से आपने पैसा बता रहे हैं कि आपने इतना पैसा दिया है, आप इन पैसों को किस रूप में वहन किया है और क्यों किया? बिना जाँच पड़ताल के आपने ऐसा क्यों किया? सर, उनके द्वारा मुझसे कई गलत अधिकारियों के द्वारा फोन कराया गया। यानी आपको साजिश के तहत आपसे? हाँ, मुझे साजिश के तहत फंसाया गया इस जाल।
अच्छा, आपको साजिश के तहत फंसाया गया। ऐसे में आपने कोपागंज थाने को अवगत कराया कोई, या उनके खिलाफ FIR कोपागंज थाने या फिर मऊ में हुए हैं? कोपागंज थाने में मैं लगभग सैकड़ों बार वहाँ गया सर, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं। फिर मऊ SP का मिला, मैं मऊ SP मऊ DSP से मैं मिला, और एडिशनल का मेरे पास रिपोर्ट भी है, उन्होंने आदेश किया। DM से मिला तो DM साहब हमको हटा दिए, कहे कि नहीं ये पैसा तुम दिए तो हम जाए उसलवाने के लिए। आपने अपने स्थानीय थाने स्थानीय जिले में इसकी सूचना दी, वहाँ पर कार्रवाई क्या हुई है? जी सर, मैं वहाँ से थक करके अपने स्थानीय जनपद में आया, और स्थानीय जनपद में आकर के बलिया कप्तान से मिला। बलिया कप्तान ने आदेशित किया, और तब मेरा थाना सुखपुरा ने FIR पंजीकृत करने की कृपा की। फिर उसके बाद से क्या हुआ? सर FIR पंजीकृत हो गया, लेकिन FIR पंजीकृत होने के बाद लगभग मैं वर्ष से इन्वेस्टिगेटर के पास दौड़ता रहा कि मेरा भाई चार्जशीट लगा दीजिए, चार्जशीट। चार्जशीट क्यों नहीं लगा, कारण क्या रहा? साल भर होने जा रहा है, चार्जशीट क्यों नहीं लगा? चार्जशीट लगाने के लिए मुझसे अनाप शनाप पैसे मांगे जाते। कौन पैसा मांग रहा था आपसे अनाप शनाप? हनुमानगंज पुलिस चौकी का इंचार्ज, वर्तमान इंचार्ज रविंद्रनाथ पांडे, मुझसे एक गाड़ी अथवा 80,000 रुपये नगद दे दो, तुम्हारा चार्जशीट बना के भेज देंगे। हमने कहा कि मेरे बस की बात नहीं इतना पैसा देना, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि तब धीरे धीरे तुम्हारा काम ऐसे ही होता रहे। यानी आपकी पैसा ना देने की वजह से कार्रवाई आपकी धीमी करने की उन्होंने धमकी दी? जी सर। इसकी सूचना आपने, इसका शिकायत आपने कहीं किया? इसकी शिकायत मैं जिला कप्तान से करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किया नहीं। यानी आप जिला कप्तान से जरूर करेंगे? जरूर करेंगे सर, जरूर। आपको न्याय चाहिए? एकदम न्याय चाहिए, इसके लिए मैं किसी भी स्तर तक जा सकता। यानी आप अपने न्याय के लिए पीछे नहीं हटेंगे, आगे तक जाएंगे? किसी भी कीमत पर मैं कहीं तक जाने के लिए तैयार।